नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। पोषण सखी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान की बिगड़ी तबीयत, स्थिति गंभीर, सरकार बेखबर, सप्ताह बीत गए, हड़ताल पर अब तक नहीं हुआ कुछ असर। रांची विधानसभा बाहर पोषण सखियों की भूख हड़ताल आंदोलन में अब तक नई पोषण सखी परेशान है। अपने घर बच्चों को छोड़कर अपनी मांगों पर डटे रहने पर भी अब तक सरकार ने सुध नहीं ली है। वहीं इस मामले का विधानसभा में भी माले विधायक ने पोषण सखियों का मांग को जायज कहा है। इस पर अविलंब मानदेय भुगतान करने का आश्वासन भी दिया गया है, किंतु स्थायीकरण पर विचार और सरकार से सहमति के बाद ही निर्णय लेने की बात कही गई है। इधर सैकड़ों पोषण सखियां रांची विधानसभा के बाहर अपने आंदोलन को धारदार बनाने के लिए जान जोखिम में डालकर जिद पर अड़ी हुई हैं। अब देखना यह है कि सरकार कब सुध लेती है या यह आंदोलन कहीं किसी की जान तो नहीं ले लेता, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जिद जोखिम बनने से इनकार नहीं किया जा सकता। पल पल के रिपोर्ट पोषण सखियों का रांची विधानसभा से लाइव देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। सोनी जी, थोड़ा सा झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ बैनर तले आज देखिए अनशन पर बैठी हुई है। आज 13वां दिन है इनका। इनका प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान जी का तबियत इतना बिगड़ गई कि लगातार इनको हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ रहा है। आज इनका बेहोशी का हालत में हम लोग सदर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को सरकार कुछ नहीं सुन रही है। हमारे विभागीय मंत्री जोबा मांझी जी, वो तो महिला होने के बावजूद भी न जाने किस पत्थर का बनी हुई है, जो हम लोग का मांग पर विचार नहीं रख रही है और ना ही हमारी बहनों का अनशन तोड़वा रही है। मैं सरकार से तथा अपने विभागीय मंत्री से आग्रह करती हूँ कि आप प्लीज अनशन पर आ करके हमारी बहनें जो अनशन पर बैठी है, जो 13वां दिन बीत चुका है, इनका तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, वो आ करके इनका अनशन तोड़वावे। प्लीज़ जितने भी बहने इस वीडियो को देख रहे हैं वो सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि इनका तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और इनका सुध लेने के लिए अभी तक कोई नहीं पहुँचे हैं। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ, बार बार विनती कर रही हूँ कि आप लोग कम से कम इसका आ करके अनशन तोड़वा दीजिए। जी नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव।